नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। आंतरिक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि। नमस्कार, यूपीसी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी बात आनंद से हो रही, कृपया अपना नाम बताएं। रुचिका बोल रही हूँ भैया। कृपया अपना नाम बताएं। मैं रुचिका बोल रही हूँ। नाम बताने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? भैया, हमारे घर में हम दो लोग आइसोलेटेड हैं। दो लोगों की 27 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अभी मेरे घर में 3-4 सदस्य और हैं, बच्चे को मिलाकर के। सब में सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे टेस्ट कराना है घर पे। और वो जो कमांड वाला जो नंबर है, ठीक है, उस पे मैंने कॉल करके एप्लीकेशन लिखवा दी है। वो मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि कब तक मैं आएंगे टेस्ट कराने के लिए। उन्होंने मुझे सिर्फ रेफरेंस नंबर दे दिया। फिर उन्होंने वो 3515700 वाला जो नंबर है, ठीक है, 5225315700 हेलो डॉक्टर वाला, वो नंबर दे दिया कि इस नंबर पे आप पता करके पूछ लो कब तक आएंगे। अब वो मुझे कह रहे हैं मैडम 24 से 48 घंटे लग जाएंगे आने में। यहाँ कोई बंदा पेशेंट परेशान है, हाँ, उसके मुंह का टेस्ट भी चला गया है, नाक की स्मेल भी चली गई है, नाक जाम है उसकी। टेस्ट हो जाए तो एटलीस्ट हम लोग दवाई देना शुरू करें। तत्काल सेवा चाहिए मैम? जी हाँ, तत्काल सेवा चाहिए। आपको सुमो का नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, कृपया आप अपना जिला बताएं। लखनऊ से बात कर रही हूँ मैं। जी, संपर्क में बने रहना। मैम SNS यादव जी हैं। जी मैम। कौन है? डॉक्टर SNS जी मैम यादव, सीएमओ लखनऊ। इनका नंबर नोट कर लें, आपकी बेहतर सहायता की जाएगी। 94-150-24-50-23-647 इस नंबर पे संपर्क कर लें, आपसे बेहतर सहायता की जाएगी। ठीक जी मैम, हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हेलो हेलो, यादव जी से बात हो रही है? हाँ सर, मैं रुचिका बोल रही हूँ और मुझे आपका नंबर ये लखनऊ के जो सीएम है हेल्पलाइन नंबर से मिला हुआ है। एक्चुअली मुझे ये गलत नंबर है मैडम। मैं तो रिटायर हुए 4 साल हो गया हमको। SNS यादव जी आप बोल रहे हैं? आप बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये नंबर उन्होंने मुझे क्यों प्रोवाइड किया अगर आपको रिटायर्ड हुए 4 साल हो गए? तो ये तो उनसे पूछ सकती है ना। आई हैव ऑलरेडी गिवन रिटर्न टू देम, सबको दिया जा चुका, ऑफिस में दिया जा चुका है। तो आपके जब वो नंबर बांट रहे हैं सर, तो आपके पास तो हजारों कॉल्स आ रही होंगी। अरे मैं परेशान हो गया कि क्या बताऊं, मैं नंबर बदलने जा रहा हूं, अपना फोन बंद करने जा रहा हूं, क्या करूं और मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। तो इट मींस उनके पास जो लखनऊ सीएम के जो हेल्पलाइन नंबर है उनके पास अपडेटेड डेटा ही नहीं है कि लखनऊ का सीएमओ है कौन। जस्ट यू सी द वर्किंग पैटर्न, यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सर एक्चुअली मैं एक बार आपसे और फाइनली पूछना चाहती हूँ, क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि आप 4 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं? I am not making fun. मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति था, रहूंगा, ये नहीं है। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी के साथ मजाक नहीं किया जाता। हाँ सर, वैसे भी इतनी बीमारी फैली हुई, थैंक यू सो मच आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूँ बताइए। सर कुछ नहीं, मुझे अर्जेंट, मेरे घर में एक्चुअली हम दो लोग पॉजिटिव हैं घर में और 3 लोग और हैं, एक बच्ची है, इन सब के भी सिम्टम्स लग रहे हैं, मुझे इनका टेस्ट करवाना था। अब जा तो सकते नहीं, ड्राइविंग आती नहीं है। कहाँ रहते हैं? हम यही सीतापुर रोड पे ही रहते हैं, बख्शी तालाब के पास में, छठा मील जो है वहाँ पे। तो बख्शी के तालाब CSC पर चले जाए, करवाएंगे सब। सर यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ सिविल में हो रहा है, सिविल हॉस्पिटल में। सिविल में वहाँ नहीं हो रहा है? नहीं, कहीं नहीं हो रहा है, ना नेहरू बाल वाटिका पास में है, वहाँ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे एंटीजन कर देते हैं, मैंने खुद 26 को एंटीजन करवाया, वो निगेटिव आया। फिर मैंने सिविल में जा करके RT-PCR करवाया, तब पॉजिटिव आया। अब मैडम RT-PCR अब कहीं करेंगे, सब RT उनके गवर्नमेंट के आदेश है कि कम से कम करो टेस्ट, इसलिए हो सकता कर रहे हो सर। हाँ मजबूरियाँ हैं, लेकिन आप कोशिश करिए। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। आंतरिक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है।
भैया मैं रुचिका बोल रही हूँ। मैंने अभी आपके नंबर पे कॉल किया था, इसी नंबर पे। एक्चुअली मुझे अर्जेंट बेसिस पे अरेंज करवाना है अपने घर में आरटीपीसीआर का टेस्ट चार लोगों के लिए। हमारे घर में 6 सदस्य हैं, 2 ऑलरेडी हम लोग पॉजिटिव हैं, आइसोलेटेड हैं, और 4 लोगों का विद बच्चा मतलब मिला करके 4 लोगों का टेस्ट मतलब अरेंज करवाना है। तो आपके यहाँ से मुझे नंबर दिया गया SNS यादव जी का, बोला गया ये लखनऊ के CMO है। मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 4 साल से रिटायर्ड है। यही डेटा है आपके यहाँ का कि 4 साल रिटायर्ड बंदे का आप मुझे नंबर पकड़ा रहे हो? मजाक समझ रखा है क्या हम लोगों ने? यहाँ हम लोग मतलब इस बीमारी से परेशान है, कुछ अर्जेंट होगा, वरना जैसे मैंने अपना जाके करवाया था, घर के दूसरे सदस्यों का भी हम करवा सकते थे ना। मैम बात तो सुन लीजिए मेरी भैया। हाँ सुनाइए। कोई समस्या कारण चला गया अगर आप नंबर दोबारा बता दिया ना, मिला लीजिए। अगर ये नंबर है तो आपको सही नंबर दिया गया है, एक बार मिला लीजिए। अब 98 37। हाँ नंबर रुके बताइए, 98 37। लखनऊ है ना आपका जिला? हाँ लखनऊ है। 98 37 77। 98 37 77। 77 76 76 54 54। यही नंबर है मैडम? ये किसका नंबर है? ये लखनऊ के CMO का नंबर है मैम। नाम क्या है CMO का? नाम की जानकारी नहीं दे सकते मैम। अरे भैया हम फोन पे क्या पूछेंगे, किससे बात कर रहे हैं हम? मैम वो लखनऊ के CMO को जानकारी दे दीजिएगा, वो बता देंगे। फिर से नंबर रिपीट करिए। 98 37। अभी आपने 77 बोला मैम। स्टार्टिंग से 77 है, स्टार्टिंग से 98 ही है। 77 बीच में है। इंग्लिश में बोल दीजिए ना, इंग्लिश नहीं आती। 98 मैम बिल्कुल आती है, पर हमारे यहाँ रूल के अनुसार ये बोला नहीं जा सकता इंग्लिश में जी। डिजिट्स आप बोल सकते हैं? बिल्कुल। 98 98 98। आवाज नहीं आती तो दोबारा लीजिए मैम आप। हम दोबारा कॉल नहीं कर पाएंगे, आपकी तरफ से बटने कंटिन्यू कर रही हैं। तो मैम आपको जानकारी दी जा रही है, आप स्थान पर जानकारी। अभी आवाज आ रही है, बताइए। 98 37 37 37। फिर आपकी तरफ से बटन दब गई, हेल्प नहीं करनी। बटन नहीं दब रही है मैम, बटन कोई नहीं दब रही है, चिंता रही है। जैसे ही आप नंबर बताना शुरू करते हो तुरंत बटने दबनी शुरू हो जाती है, मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आप ये जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसके लिए स्वतंत्र है आप, पर आपको जानकारी दी जा रही है, बटन की कोई दबने की इसमें जरूरत नहीं है, बटन दबाने की। फिर से अब आप बोल रहे हैं अभी बटने नहीं दब रही है, जैसे ही आप नंबर बताना शुरू करोगे तुरंत बटने दबनी शुरू हो जाती है। मैम मेरे को आप नंबर लिख लीजिए। 98 37 98 37 77 77 मैम। 77 77 फिर 76 76 64 64 जी। तुम पागल वागल हो क्या? पहले 54 बोलते हो फिर 64 बोलते हो, स्टेबल नहीं है क्या माइंड आपका? मजाक बना रखा है तुम लोगों ने, अभी रुको तुम। बिल्कुल मैम, इसलिए सतर्क।